हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एंड आज बुधवार है एंड अभी बज रहे सुबह के अराउंड 7:10 एंड मैं आ गई हूँ मेरे क्लब टू डू एक्सरसाइज में। एक्चुअली दो दिन से क्लब नहीं आ रही थी एंड आज आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी पता नहीं आज वो लोग सारी डिलीवर करेंगे भी या नहीं, बट जो भी हो लेट मी सी कैसा आता है। मैं अपने हबी से पूछ रही थी कि अगर अच्छा ना हो कि वी कैन रिटर्न इट और नॉट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथ पहले ऐसा हो भी चुका है that I had ordered साड़ी from Amazon and शायद मैंने शेयर भी किया था कि दूसरा ही एक साड़ी आ गया था, तो देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि अगर एक्सचेंज नहीं हुआ तो आई एम गॉन। तो चलिए लेट्स गो एंड लेट्स डू सम एक्सरसाइज। एंड आज का मौसम बहुत अच्छा है, लाइक सन निकलना चाहिए मुझे, वही लगता है। ठंडा हो ना हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इट शुड बी सनी तो ही अच्छा लगता है। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:30 एंड मैं ना जब भी मैं क्लब जाती हूँ मैं अराउंड में 8:35 नहीं तो 8:40 को आ जाती हूँ, लाइक बिफोर ही लीव्स फॉर हिज वर्क, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मोस्ट ऑफ द लेडीज कैन अंडरस्टैंड कि आई एम सो नियर बट आई एम लाइक जब वो काम पे जाए आई एम नॉट देयर एट द होम, तो मैं आ जाती हूँ। एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया है चीज सैंडविच, क्योंकि राय को भी मैंने आज सैंडविच दिया था। उसके बाद मैं निकल जाऊंगी माई फेवरेट प्लेस दैट इज ग्रॉसरी शॉपिंग, पर आज मुझे इंडियन स्टोर भी जाना है एंड इंडियन स्टोर ना बहुत लेट ओपन होता है, लाइक इट ओपन्स एट 10 o'clock, तो इसीलिए मैं थोड़ा रुक गई। मुझे लगा चलो जब मैं बाहर निकल ही रही हूँ लेट मी डू बोथ ऑफ द वर्क एट द सेम टाइम एंड फिर घर आके खाना बनाना है। एंड साड़ी आज आएगा कि नहीं, साड़ी के साथ ना मैंने ऐसा ज्वेलरी भी ऑर्डर किया था, असली नहीं नकली ज्वेलरी, हाउ मच ऐसा सेट मैंने ऑर्डर किया है, तो वो आ जाएगा। तो वो बहुत ही सस्ता भी था, आई थिंक सो इट्स ओनली $17। आप लोग बहुत जन पूछते रहते कि पायल इंडियन रुपीज में कितना होगा, तो $17 यानी मैं कितना बोलूं, ऐसा 1000 rupees के करीब ही होगा। तो मुझे लगा कि चलो इट्स चीप ओनली, क्योंकि इंडिया में भी मैंने देखा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज्यादा लाइक प्राइस तो है, इतना कम भी नहीं है। तो देखते हैं अभी कैसा होता है, वो पता चलेगा, तो वो शायद आज आ जाएगा। पर सो जाने से पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके जा रही हूँ एंड मैंने लाइक टमाटर और अनियन का पेस्ट बना लिया है एंड चिकन को मैरिनेट कर लिया है, ताकि आने के बाद मुझे एटलीस्ट चॉपिंग एंड कटिंग ना करना पड़े। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, ग्रॉसरी शॉपिंग और कुछ नहीं। एंड एक्चुअली इस बार ना हम लोग के गार्डन में एक रोज का प्लान था जो मुझे लगा कि इस बार होगा ही नहीं, बट एट द एंड अभी एक फ्लावर आया है, वेट आई शो यू ऑल। तो हम लोगों को लगा ही नहीं कि इस बार इस रोज प्लान पे एक भी रोज आएगा, क्योंकि इसका हालत ना बहुत खराब हो गया है, बहुत सारा कीड़ा लग गया है। एंड लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया, फिर इस साल भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया पर कुछ भी नहीं आ रहा था। एंड अभी तो द सीजन इज गेटिंग ओवर बट आई डोंट नो हाउ इट केम एंड कितना अच्छा लगता है, लाइक टुडे माई हबी सा एंड ही वॉज लाइक वाह, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इसमें कुछ आएगा। तो उसी तरीके से वी शुड नॉट लूज एनी होप, कुछ भी एक छोटा होप हो ना लाइफ में हम लोगों को लाइक वो होप लूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि क्या हो सकता है कल। एंड नाउ समथिंग अबाउट माई साड़ी, कि मेरा साड़ी अगर आज आ जाए तो मेरे साड़ी को आना पड़ेगा
स्पेसशिप में, नहीं तो कुछ ऐसा आबड़ा का डाबड़ा करके कोई जादू करना पड़ेगा. क्योंकि जब हम लोग खरीदते हैं ना अमेज़न से, सो दे गिव यू लाइक, वो लोग दिखाते हैं अपडेट, तो वहां पे दे गिव मी ए ट्रैकिंग नंबर ऑफ DHL. तो कल मैंने एक्चुअली देखा भी नहीं, क्योंकि वो लोग दिखाते हैं ना ऐसा लाइन लाइन, ओके आउट ऑफ डिलीवरी, फिर ये सब. फिर आज मुझे लगा चलो मैं डिटेल्स में देखती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वो साड़ी एक्चुअली कोलकाता से आ रहा है. फ्रॉम कोलकाता अभी वो साड़ी बैंगलोर में है, तो बैंगलोर में यहाँ आने के लिए हम लोग भी तो आते हैं, तो वी टेक्स अराउंड वन डे, तो वो साड़ी को एक दिन तो लगेगा ही. सो मुझे लग रहा है कि वो साड़ी इट विल कम इन फ्राइडे. तो मेरा इंडियन शॉप का ग्रॉसरी शॉपिंग इज ओवर. लाइक मुझे थोड़ा कुछ ही खरीदना था, एंड मैं अभी आई हूँ मेरे विलेज के शॉप में, लाइक जहाँ से मैं सब कुछ शॉपिंग करती हूँ. एंड अब जब मैं इंडियन शॉप भी जाती हूँ ना, लाइक यू कैन सी मेरे कार में कितना सारा, आई ऑलवेज यूज ऑल दिस बैग्स. एंड मैं जैसे बोल रही थी, अगर मैं किसी को कुछ देती भी हूँ, आई ऑलवेज गिव देम इन ए रिसाइकल बैग ताकि दे कैन यूज इट. हम लोग का रिसाइकल डे था, एंड मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, आई रिसाइकल ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिसको आप रिसाइकल कर सकेंगे. तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1 o'clock, एंड मैं अभी घर पे आई हूँ. लाइक मैंने क्या किया, आई जस्ट वेंट टू इंडियन शॉप, एंड फिर इंडियन शॉप से लाइक आई केम टू माई ग्रॉसरी स्टोर जहाँ से मैं बाकी का सारा सामान खरीदती हूँ. एंड उसी में लाइक 2 घंटा चला गया, यू नो जाने आने में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है. तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, बट वो सब छोड़िए. फर्स्ट जो मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऑर्डर किया था वो आ गया है. नाउ लेट्स सी कैसा है. तो नॉट बैड यार, आई एम लाइक टोटली इम्प्रेस्ड. मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा होगा. एंड हाउ मच इज इट, मैं जैसे बोल रही थी इट्स ओनली $17. मुझे लग रहा था कि बहुत ही पता नहीं लाइक कैसा आएगा, बट इट्स गुड. दिन मैं न्यू जर्सी गई थी ना, सो देवर सेइंग हाउ मच, देवर सेइंग अराउंड $50 एंड ऐसा $60. तो मुझे लगा कि चलो लेट मी सी इन अमेजोन कैसा है. या इट्स गुड, सी अच्छा लग रहा है राइट. क्योंकि मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव सीन कि मैं ऐसे ही साउथ की साड़ी पहनती हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा गले में अच्छा लगेगा. एंड ये मैं राय को दे दूंगी, ये मैं कैसे ये पहनूंगी, मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है ऐसा पहनना, कैसा लगेगा. ओ माय गॉड, मैं ये राय को दे, राय को ये बहुत पसंद है. क्या बोलते हैं, मांग टीका बोलते हैं ना, राय को ये बहुत अच्छा लगता है. द इयर रिंग्स ऑल्सो आर गुड. या इट्स गुड राइट, अच्छा ही है. नाउ आई डोंट नो, यू नो आज का फैशन एंड ऑल, आजकल फैशन में क्या चल रहा है, यहाँ पे जो भी मिलता है वही मुझे अच्छा लगता है. या आई थिंक सो इट विल लुक गुड विथ साड़ी, स्पेशली इन पूजा एंड ऑल टाइम. तो फाइनली बहुत ही अच्छा आया है. अगर मैं रिव्यू करूँगी तो मैं बोलूँगी इट्स ए गुड सेट. अभी कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा वो तो मुझे पता नहीं, बट विद द इट्स वैल्यू फॉर मनी ओनली वन थिंग आई कैन से. तो ओवरऑल मुझे बहुत ही पसंद आया, एंड इट विल गो परफेक्टली कोई भी साड़ी के साथ. तो देखती हूँ मेरा जब नया साड़ी आता है तो उसके साथ ये कैसा लगता है. आप सबको कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना. आई थिंक सो, मैं जैसे बोल रही थी 1000 rupees में इट्स परफेक्ट, टोटली वैल्यू फॉर मनी है. एंड क्वालिटी भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी भी अच्छा है. एंड आई लाइक द इयर रिंग्स एक्चुअली, एंड दिस इज फॉर राय. जब भी ये सब होता है, राय को ये सभी पसंद है, वो अभी ये पहन लेगी. ये पता नहीं वो लोग क्यों देते, कौन ऐसा पहनेगा. गॉड कितनी वियर्ड लग रही हूँ. तो चलिए हो गया, लेट्स गो एंड लेट्स फिनिश कुकिंग. मैं
मैं जल्दी खाना बना लूंगी एंड वीकडेज पे मैं एक ही कुछ सब्जी बनाती हूँ। तो ऑयल जब गर्म है, फर्स्ट मैंने इसमें थोड़ा सिनेमन स्टिक ऐड कर दिया है एंड बाद में मुझे याद आया कि जब मैंने चिकन मैरिनेट किया था मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना ही भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, अभी मैंने ऑयल में इसीलिए फर्स्ट मैंने ऐड कर दिया है। एंड अभी मैं चिकन के पीसेस ऐड कर रही हूँ। तो मेरे हबी को ना ड्रमस्टिक बहुत पसंद है, मुझे और राय को इतना अच्छा नहीं लगता है। तो टुडे आई थॉट चलो मैं आज उनकी पसंद का ड्रमस्टिक बनाती हूँ। मैं जैसे बोल रही थी कि मैंने चिकन को मैरिनेट किया था विथ सम अनियन पेस्ट, टमाटर पेस्ट, देन मैंने थोड़ा कर्ड भी ऐड किया था एंड टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। तो वंस जब चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए देन आई ऐड द आलू। तो आलू मैंने फ्राई करके ना थोड़ा बॉयल कर लिया है, इससे बहुत जल्दी हो जाता है, फिर अभी कवर करके रख देंगे। तो चिकन तो रेडी हो चुका है एंड राई भी आ जाएगी अनदर 10 मिनट्स एंड मैं खा रही हूँ अभी पाइनएप्पल, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल खाना बहुत ही अच्छा लगता है पर मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बट या फ्रूट से समथिंग ना आई लाइक मैं डेली खाती हूँ, डेली में फ्रूट्स ना खाओ ये हो ही नहीं सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डेली फ्रूट्स खाएंगे ना आपका स्किन बहुत अच्छा होगा। नो नीड टू अप्लाई ऑल्सो सो मेनी थिंग्स। आप लोग बहुत जन मुझे बोलते रहते कि पायल स्किन केयर दिखाओ, स्किन केयर दिखाओ। मैं क्या दिखाऊँ जब मेरा कोई स्किन केयर है ही नहीं। तो लाइक फ्रूट्स वेजेस ना इफ यू कीप ऑन हैविंग ना दिस विल ब्रिंग ए नेचुरल ग्लो टू योर स्किन एंड ये मेरा फ्री का एडवाइस है बट इट इज ए गुड एडवाइस, ट्रस्ट मी। इतना जल्दी तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है कि आज से आप खाना लाइक स्टार्ट करें, बट इफ यू कीप ऑन हैविंग ना यू विल डेफिनेटली सी सम चेंजेस इन योर स्किन, आई ऑलवेज बिलीव दैट। एंड मैं राय को भी बोलती रहती हूँ क्योंकि राय इतना ज्यादा फ्रूट्स नहीं खाती है। फाइनली चिकन इज डन एंड ये बहुत ही एक ईजी मेथड है बनाने का। तो राई भी आ चुकी है एंड अभी एक्चुअली अच्छा है कि राई तो 2:45 तक घर आ जाती है, तो अभी मेरा लंच टाइम परफेक्ट हो गया है। तो हम लोगों का लंच इज ओवर एंड ये आप लोग बहुत जन बोल रहे थे कि पायल ये बी रैप कैसा है, तो ये बहुत अच्छा है। लाइक आज भी मैंने राय को सैंडविच दिया था एंड आज तो मैं राय को बोलना भी भूल गई कि राय इसको मत फेंकना, पर उसको पता है बिकॉज 2 days शायद दिस इज द 3rd time आई एम गिविंग हर। एंड अभी मैं इसको ना साबुन से अच्छी तरीके से धो के मैं रख दूंगी एंड बहुत जल्दी सूख भी जाता है। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ ना मैं और भी, मैंने देखा एक्चुअली इट्स मैंने तो यहाँ मेरे लाइक लोकल ग्रोसरी शॉप से खरीदा है, तो वहां से ना मैंने देखा है अमेजन पे इट्स क्वाइट चीप एंड यू कैन गेट 4 या 5 का पैक भी मिलता है। स्पेशली हम लोग जो रैप यूज करते हैं, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ अस वी यूज दिस वन राइट टू रैप यू नो कभी कभी फ्रिज में रखने के लिए एंड ऑल, तो हम लोग ये यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अभी मैं सोच रही हूँ कि आई विल बाय सम ऑफ इट एंड मैं ये यूज करूंगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट प्लास्टिक, ये कपड़ा से बनता है एंड इट इज सो गुड। लाइक मुझे पहले थोड़ा डाउट था कि कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, बट इट्स द 3rd time एंड इट्स वेरी नाइस। ओनली ये मुझे कभी मेरे हबी को नहीं देना है, नहीं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये तो वापस नहीं आएगा, वो इसको डेफिनेटली फेंक देंगे। तो अभी मैं इसको वॉश करूंगी एंड फिर यार किचन का काम ओनली मेरा, बर्तन एंड ऑल एवरीथिंग इज डन। आज मेरा इवनिंग थोड़ा रिलैक्स है बिकॉज राय का कोई भी एक्टिविटी नहीं है एंड दिस इज सच ए बिग रिलीफ। तो अभी शाम के बज रहे हैं, ऐसा कुछ 5 o'clock होगा, नहीं सॉरी 5 नहीं हुआ है, 4:30 एंड राय कर रही है अपना होमवर्क एंड राय अभी यहाँ में होमवर्क करती है क्योंकि अगर उसको कुछ हेल्प चाहिए देन आई कैन गाइड हर। इसलिए आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ माय वीडियोस गेट ओवर लाइक राय आने से पहले ही वो ख़त्म कर, लाइक मैं ख़त्म कर देती हूँ मेरा वीडियो एंड
पता नहीं मेरे साड़ी को आज प्लेन में जगह मिला या नहीं, क्योंकि वो लोग ने कुछ भी नहीं लिखा ना, जस्ट दे रोड की साड़ी बैंगलोर पे है, उसके बाद वो लोग ने कुछ भी नहीं लिखा अभी साड़ी को, तो इट्स इन बैंगलोर. ओह, तो हाउ इट कैन कम टुडे, राइट? तो आज तो कोई भी उम्मीद नहीं है, एंड कोई ऐसे उम्मीद रखेगा तो मैं क्या बोलूँ, ऐसा उम्मीद कोई भी नहीं रखेगा. अगर आप देख ले स्टेटस क्या है तो उम्मीद करती हूँ कि कल भी नहीं परसों तक तो मेरा साड़ी को आना ही चाहिए, अगर उसको फ्लाइट में बैठने का जगह मिल गया मेरे लिए. रवि हंस रही है, अगर उसको जगह मिल गया बैठने का तो देखेंगे साड़ी कैसा होता है, क्योंकि साड़ी ना कोलकाता से आ रहा है, एंड कोलकाता में ही तोसोर सिल्क एक जगह है, मैं उस जगह का नाम भूल गई, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ से साड़ी आ रहा है, एंड दैट प्लेस इज़ फेमस फॉर मेकिंग हैंडलूम साड़ीज. सो इतना दूर से आ रहा है तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अच्छा ही होगा, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस सेट. या मुझे इतना अच्छा लगा, 17 या राय को भी बहुत अच्छा लगा, एंड $17 में इट इज सो नाइस ना, या इट्स सो चीप, राइट? या एंड $17 में इतना अच्छा यार. एंड मैं अभी सोच रही थी, लास्ट ईयर मैंने एक ईयर रिंग खरीदा था फ्रॉम आई थिंक सो इट वॉज $25, मैंने क्यों खरीदा, इससे तो ऑनलाइन खरीदना ही अच्छा है, पर ऑनलाइन में खराब हो देन यू कैन चेंज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर एनी हाउ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग, एंड चलो देखते हैं कल क्या होता है. तो चलिए चलती हूँ, आई विल मीट यू ऑल टुमारो विद ए न्यू वीडियो. पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, एंड या बताइएगा कि आप सबको ये कैसा लगा. मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मैं बोलूँगी इट्स टोटली बजट फ्रेंडली, एंड देखने में भी अच्छा है. एंड मुझे पता नहीं है अगर बहुत ज़्यादा पहनेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बट या मैं जैसे कभी कभी पहनती हूँ, आई थिंक सो अगर आप कभी कभी पहनते हैं तो दिस ऑल थिंग्स आर परफेक्ट. एंड या वीडियो को एक लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब. सो बाय बाय.